नमस्कार। हम आज पढ़ेंगे सी लैंग्वेज। लेकिन सी लैंग्वेज पढ़ने के पहले वी नीड टू क्लियर सम बेसिक पार्ट। जैसे कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यहाँ पे हमें हार्डवेयर के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना है, वी नीड टू डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर। तो पहला पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सब लोगों को पता है व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम जो भी करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सब परफॉर्म होता है फंक्शंस। देयरफॉर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है एक बेसिक पार्ट और मेन पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। सेकंड पार्ट होता है ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हम करते हैं वो है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑटोकैड, टैली, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ते हैं। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये जो भी बना हुआ है इसके पीछे कुछ तो है। जैसे हम कुछ क्लिक करते हैं, कुछ ओपन होता है, कुछ क्लोज होता है, या कुछ ड्रैग करते हैं, हम ड्रॉप करते हैं, तो ये सब के पीछे तो कुछ तो होगा ना। ये सब तो मैजिक नहीं है, तो इन सब के पीछे क्या है? लॉजिक है। तो तीसरा पार्ट जो है वो है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू, और ये सब कैसे बना हुआ है, ये सब बना होता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो अभी हमें एक न्यू फील्ड में एंटर करना है। अगर आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग पता नहीं है, लेकिन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें जो भी कुछ परफॉर्म होता है वो सब इतना तो पता है हमें कि ये सब मैजिक नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। तो वो लॉजिक कहाँ से आता है? वो लॉजिक आता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो नाउ यू आर गेट रेडी टू एंटर इनटू न्यू फील्ड, प्रोग्रामिंग। अभी क्या डिफरेंस है जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के अंदर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम सब रेडीमेड यूज करते हैं, वेयर एज प्रोग्रामिंग के अंदर हमें खुद को सब कुछ बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप होटल में गए और कुछ डिश ऑर्डर की, आपने वो डिश सब खाई और आपको बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने कल बोला कि वही आपको बनानी है और सबको सर्व करनी है। तो जो डिफरेंस होगा ना कि खुद को बनानी है और सबको देनी है, और जो हम रेडीमेड यूज करते हैं, इसमें जो डिफरेंस होता है यही डिफरेंस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग के अंदर। क्योंकि जब हम खुद का बनाते हैं तब हमें बहुत छोटी छोटी चीजें भी थिंक करनी पड़ती है। ओके, नाउ गेट रेडी टू एंटर इंटू अ न्यू फील्ड, प्रोग्रामिंग। लेट अस टेक अ लुक एट द रिवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी ऐसे तो नहीं है कि आज हम प्रोग्रामिंग टाइप करते वैसे ही डायरेक्टली बने हुए हैं। तो पहले यूज करते थे बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 एंड 1। बाइनरी लैंग्वेज जो सबसे आज भी वही यूज होती है जब आप लोग कंप्यूटर के अंदर कुछ करते हैं। तो कंप्यूटर आफ्टर ऑल कौन सी लैंग्वेज आइडेंटिफाई करता है? बाइनरी लैंग्वेज। तो इसका फॉर्म होता है 0 एंड 1। उसके बाद का जो लेयर है वो है मशीन लैंग्वेज। तो मशीनरी लैंग्वेज के अंदर हम कुछ कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, या मशीनरी लैंग्वेज जो होती है प्योरली अंडरस्टैंड बाय द मशीन। फॉर एग्जाम्पल, हम कौन सा भी माउस लगाते हैं, या पेन ड्राइव लगाते हैं, कार्ड रीडर लगाते हैं, तो ये जो चीजें हम लगाते हैं बाहर से, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली वर्क नहीं होती है। तो इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसे कुछ कोड होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज आइडेंटिफाई टू ऑल दिस सॉफ्टवेयर, ऑल दिस हार्डवेयर पार्ट। तो उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। उसके बाद आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में आप कुछ कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, कुछ कमांड दे सकते हैं। और उसके बाद का जो लेयर है वो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यही अभी हमें पढ़ना है, ये है सी लैंग्वेज। लेकिन आज के डेट में सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका वन ऑफ द बेसिक एप्लीकेशन है C++। उसके बाद आप लोग जा सकते हैं जावा है, .NET है, एक्सेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो आज के डेट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को यूज करती है। आफ्टर ऑल, इसका बेस कौन सा होता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस डायग्राम के अंदर एक स्पेशलिटी है, आज के डेट में ये पूरा जो डायग्राम है, ये पूरी डायग्राम के लेयर जो है वो आज आज के डेट में इक्वली फंक्शनल है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो हम बाइनरी लैंग्वेज नहीं है या मशीन लैंग्वेज नहीं यूज करते, ऐसे नहीं है। आज के डेट में ये सब हम इक्वली फंक्शनल है और इक्वली यूज कर सकते हैं। अगर हम जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं सी लैंग्वेज। तो व्हाट इज मीन बाय लैंग्वेज? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियली नोन एज लैंग्वेज।
अभी कंप्यूटर फील्ड के अंदर और दो टाइप के लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। इन दो लैंग्वेजेस के फीचर सी के अंदर कंबाइन है, देयरफॉर सी इज नोन एज अ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हमें क्या करना है, तो प्रोग्रामिंग करने इसका मतलब क्या, हमें कुछ कमांड कंप्यूटर को देनी है। हम जो भी कमांड कंप्यूटर को बोल रहे हैं उसको भी अंडरस्टैंड होने चाहिए, एज वेल एज कंप्यूटर जो भी आउटपुट देगा वो हमें भी अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसलिए हमें क्या लगेगा, लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब आपको पूरा कोड लिखना है और फिर वो भी एक सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस, सीक्वेंस को आप बोल सकते हैं लॉजिक। लॉजिक मीन्स व्हाट, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम रोज के लाइफ में भी हम जो भी करते हैं वो सब सिक्वेंशियली हम करते हैं, इसलिए ऐसे नहीं बोल सकते हम कि लॉजिक क्या होता है, हमें नहीं पता हम कहाँ से लाएंगे लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या हुआ, जो भी आपको करना है उसका एक पर्टिकुलर सिक्वेंस होता है, उसको हम बोलते हैं लॉजिक। तो जब भी आप इंस्ट्रक्शन लॉजिकल फ्लो में देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ओके, अभी हिस्ट्री देखिए, बहुत सिंपल हिस्ट्री है। 1972 में मार्टिन रिचर्ड फर्स्ट फाउंड द बीसीपीएल लैंग्वेज। बीसीपीएल का मीनिंग है बेसिक कोड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको ही हम बोलते थे बी लैंग्वेज। केन थॉम्सन एंड डेनिस रिची एड सम फीचर टू ए बी लैंग्वेज एंड गिवन नेम सी लैंग्वेज। वाई सी, बिकॉज आफ्टर अल्फाबेटिकली आफ्टर बी देर इज सी, देयर फॉर सी लैंग्वेज। तो इतनी सिंपल हिस्ट्री है। तो अगर किसी ने पूछा कि वो हु इज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज, तो आप डेनिस रिची बोल सकते हैं। ओके, ये कुछ फीचर्स है सी के। सी इज अ कोड लैंग्वेज, इसका मतलब ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है स्टडी के अंदर, लेकिन उसके पहले अगर आपका सी लैंग्वेज हो गया है तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो इसको हम बोलते हैं कोर और बेसिक लैंग्वेज। इट इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर होता है, और या इसके इन दोनों के जो सम फीचर्स है वो सी के अंदर कंबाइन होते हैं, इसलिए सी इज नोन एज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन हम जब भी कुछ भी करते हैं, या आपको पता है कि हम जब कुछ इंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं तो वो प्लेन इंग्लिश के अंदर होता है, और कंप्यूटर डज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके लिए हम जब भी प्रोग्राम करते हैं तो हमें कंपल्सरी एक इंटरप्रेटर चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं कंपाइलर। तो ये भी इसके अंदर होता है, सी लैंग्वेज के अंदर। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। उसके बाद होता है सिस्टम प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर कंट्रोल प्रोग्राम। ऑल दिस प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी प्रोसीजर पैराडाइम का मतलब क्या हुआ, हम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसका कुछ एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। दैट इज, पहले आपको इनपुट लेना है, फिर प्रोसेस करना है, फिर आउटपुट डिस्प्ले करना है। वैसे सी का भी एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जाके हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। सी प्री प्रोसेसर है, हम बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सी प्री प्रोसेसर, प्री का मतलब, प्री एंड प्रोसेसर का मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस बिफोर बिगिनिंग ऑफ द मेन प्रोसेस। तो इसका मतलब प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले भी हमें कुछ करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। और सी का, सी जो है वो सिर्फ डॉस बेस्ड लैंग्वेज है, इसका मतलब इसमें आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहीं भी नजर नहीं आएगा। सिर्फ आपको अगर सी लैंग्वेज का इनपुट आउटपुट देना है तो आपको एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी, जिसको हम डॉस बोलते हैं या कंसोल बोलते हैं। उसके ऊपर सिर्फ हम टेक्स्ट ओरिएंटेड इनपुट एंड आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हमें कुछ ग्राफिक भी यूज करना है सी के अंदर, और कुछ ग्राफिक टू डी ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं, लेकिन सी जो है वो प्योरली टेक्स्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डॉस बेस्ड लैंग्वेज। एंड इट सपोर्ट द मल्टीपल फंक्शनैलिटी। अभी ये जो है ऑपरेटर्स, ये तो हमें न्यू नहीं है, क्योंकि आज तक हमने सब ऑपरेटर यूज किए हुए हैं। उसमें है एरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन मॉडुलस एक्सेट्रा। उसके बाद हमें देखना है रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर दैन, लेस दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। बाद में हम स्टडी करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम न्यूज से पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल ऑपरेटर।
इसमें जनरली हम तीन ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड और एंड नॉट। अभी इसका भी स्पेसिफिक एक सिंबल है, या स्पेसिफिक एक इसका भी स्पेसिफिक एक मेथड है कि ये कैसे लिखना है, वैसे हम लिखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम इक्वल टू तो यूज करते ही है, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू भी हम यूज कर सकते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर प्लस प्लस इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड माइनस माइनस इज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये सब ऑपरेटर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर होता है कंडीशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। अभी आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी है, इसका मतलब आपको कुछ डेटा है, वो डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड करना है। तो जब भी आपको लगता है कि कुछ डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड करना है, तो वो डेटा कंप्यूटर के अंदर अलग अलग टाइप के अंदर डिवाइड होता है, जिसको हम बोल सकते हैं डेटा टाइप। जैसे आप आपके घर आपके खुद की चीजें कबर्ड के अंदर रखते हैं, तो कबर्ड के अंदर जैसे कुछ शेल्फ होते हैं, वैसे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर हमें जो भी डेटा स्टोर करना है उसके लिए कुछ स्टोरेज स्पेसेस होती है अलग अलग। अभी सिस्टम कैसे या कंपाइलर कैसे डिसाइड करता है कि हमें कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, कहाँ पे स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं। उससे कंपाइलर डिसाइड करता है कि कौन से डेटा किस टाइप के अंदर स्टोर होना चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे थ्री मेजर टाइप है, इंटीग्रल जिसको हम इनबिल्ट बोलते हैं, जो ऑलरेडी है सी के अंदर, डिराइव एंड यूजर डिफाइंड। अभी इंटीग्रल के अंदर पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है इसके अंदर हम सिर्फ होल नंबर्स डाल सकते हैं, जैसे आपका रोल नंबर है, कुछ कोड है, वो इंटीजर के अंदर आ सकता है। फ्लोट के अंदर हम फ्रैक्शनल वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे जो वैल्यू पॉइंट में होती है वो वैल्यू हम फ्लोट के अंदर डाल सकते हैं। और कैरेक्टर, जैसे उसका नाम ही है कैर, कैर का मतलब क्या हुआ, अल्फाबेटिकल डेटा, तो इसके अंदर आप अल्फाबेटिकल डेटा भी डाल सकते हैं। बाद में हमें पढ़ना है एरे, एरे को एरे इज ऑल्सो नोन एज अ सेट और कलेक्शन। उसके बाद है पॉइंटर, स्ट्रक्चर, टाइप डिफाइंड, ये बाकी सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये जो है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इसके भी सब टाइप्स होते हैं, यानी हमारा डेटा जो है वो किस टाइप के अंदर स्टोर होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या बिफोर प्रोग्रामिंग, बिफोर बिगिनिंग और बिफोर क्रिएटिंग एनी प्रोग्राम, यू शुड नो द टाइप्स, मेमोरी एलोकेशन, फॉर्मेट एंड मेमोरी रेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है, उसका फॉर्मेट है परसेंट डी, उसकी मेमोरी है 2 bytes और उसकी रेंज है 32767 पॉजिटिव एंड नेगेटिव 32768। इसका मतलब अगर आपको इंटीजर के अंदर कुछ डालना है तो आप यहाँ तक ही डाल सकते हैं। इससे अगर बड़ी वैल्यू है आपके पास, जैसे आप बोलेंगे कि हमें सैलरी फीड करनी है और सैलरी 40,000 है, तो उस केस में यू हैव अ लॉन्ग इंटीजर टाइप। इसका फॉर्मेट होता है पर्सनली। अभी आप बोलेंगे फॉर्मेट का क्या करना है, तो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर को जब भी हमें वैल्यू देना पड़ता है या कंप्यूटर से वैल्यू लेना पड़ता है, तो इन दैट केस वी यूज अ फॉर्मेट। तो प्रोग्राम के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मेट कैसे यूज करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको याद होना चाहिए कि इंटीजर का फॉर्मेट परसेंट डी है, लॉन्ग का परसेंट एल डी है एंड वाइस वर्सा। ओके, लॉन्ग इंटीजर एलोकेट 4 bytes इन मेमोरी और इसका रेंज है अप टू 10 digits। उसके बाद अनसाइंड इंटीजर भी हम यूज कर सकते हैं, उसका रेंज बहुत बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। अनसाइंड का मतलब क्या हुआ, सिर्फ पॉजिटिव। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है विद डेसिमल पॉइंट वैल्यू है तो हम फ्लोट यूज करेंगे, उसका मेमोरी काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू इंटीजर, 3.4 mentesa raised to 28 to -3.4 mentesa raised to 28। अगर उससे बड़ी वैल्यू है तो आप डबल यूज कर सकते हैं। डबल में आपको कौन सा भी फॉर्मेट चलेगा, परसेंट एफ और परसेंट एल एफ, इट विल एलोकेट 8 bytes इन मेमोरी एंड द रेंज ऑफ मेमोरी इज रेस्ट टू 38। अभी यहाँ पे कैरेक्टर के दो फॉर्मेट है, एक परसेंट सी है, लेकिन यहाँ पे जैसे दिया गया है कि परसेंट सी एलोकेट ओनली अ सिंगल बाइट। इसका मतलब अगर आपको सिर्फ सिंगल अल्फाबेट एंटर करना है तो आप परसेंट सी यूज कर सकते हैं। और ये जो रेंज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रेंज होती है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मुझे मेरा नाम पुट करना है, मुझे मेरा नाम फीड करना है, तो फिर आपको सिंगल कैरेक्टर नहीं चलने वाला, तो आपको लगेगा सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो सेट ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो होता है परसेंट एस, फिर
इसकी रेंज क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फीड करने हैं, 10, 20, 50, 100, तो उतने बाइट्स वो लेगा। इसका मतलब सिंगल कैरेक्टर सिंगल बाइट, 10 कैरेक्टर 10 बाइट्स, 20 कैरेक्टर 20 बाइट्स, लाइक दिस। और उसका रेंज है 0 to 255। तो प्रोग्राम शुरू होने के पहले ये सब हमें याद होना चाहिए, या ये सब हमें जब हम प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे परसेंट डी, तो फिर आपको याद रखना रखना होगा कि परसेंट डी क्यों यूज किया, क्योंकि इंटीजर टाइप का था इसलिए। ओके, उसके बाद आता है वेरिएबल्स। हम जो भी डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो वेरिएबल के थ्रू करते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि आपको सिर्फ 2 नंबर पुट करके उसके एडिशन देखने हैं, फिर भी आपको 3 वेरिएबल लगेंगे। आपको जितना वैल्यू हैंडल करना है प्रोग्राम के अंदर, उस सब के लिए आपको अलग अलग वेरिएबल्स लगते हैं, क्योंकि एक बार एक वेरिएबल एक ही वैल्यू होल्ड करता है। ओके, तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द नेम लोकेशन इन मेमोरी दैट आर यूज टू होल्ड अ वैल्यू। और ये वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। अभी वेरिएबल लेंगे कैसे? तो डेटा टाइप जो अभी हमने पढ़ा ना, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर, वो डेटा टाइप आपको देना पड़ेगा। उसके आगे आइडेंटिफायर, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर दिया हुआ है, इंटीजर क्या दिया? एबीसी है, तो एबीसी क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। लेकिन एबीसी इज नॉट अल्फाबेट, एबीसी ये तो सिर्फ लोकेशन का नाम हुआ, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की, या एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम लॉन्ग इंटीजर लिया, और यहाँ पे देखो कैरेक्टर के 2 फॉर्म है। सिर्फ आपने एस नेम लिया तो आप परसेंट सी से वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन ये क्या अलाउड करेगा? ओनली सिंगल वैल्यू। और आपने अगर यहाँ पे साइज लिया तो आप मैक्सिमम 10 कैरेक्टर डाल सकते हैं, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 10 डाल सकते हैं। इन बिटवीन आपको चाहिए आप 2 डालो, 5 डालो, 10 डालो, कितने भी डालो कैरेक्टर्स। ओके, अभी टाइप्स क्या होते हैं वेरिएबल के? पहले होता है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल अभी हम जो यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर, वो सब लोकल वेरिएबल्स ही हम ज्यादातर यूज करेंगे, क्योंकि लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो जो भी हम फंक्शन लिखते हैं उसके अंदर होता है। और एक टाइप होता है ग्लोबल वेरिएबल्स, ये ऑलवेज सब फंक्शन के बाहर होता है। ये जो कंसेप्ट है ये आपको ज्यादा क्लियर होगा इन केस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि आप जो प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं उसके अंदर कम से कम एरर्स आनी चाहिए, तो फिर आपका ये रूल सब आपको ठीक से याद रखने पड़ेंगे। पहला रूल है नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट। आपका वेरिएबल का नाम अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे डिजिट नहीं चलने वाले। वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस भी नहीं चलेगी, जैसे आपको लिखना है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम एक साथ लिखना पड़ेगा आपको एज अ सिंगल वर्ड, या फिर आप सेपरेशन यूज कर सकते हैं, जैसे आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, या बिगिनिंग में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेस बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि स्पेस का मतलब क्या होता है? सेपरेशन, तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन जब आप डेटा टाइप के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, तो इन बिटवीन डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम वहाँ पे स्पेस होनी ही चाहिए, या फिर कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस टाइप के अंदर क्या डिक्लेयर कर रहे हैं। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल टाइप के अंदर मल्टीपल वेरिएबल चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ कॉमा से सेपरेशन करो, और सबसे एंड में होता है सेमी कॉलन। आप जितने रूल अच्छे से ध्यान रखेंगे उतना आपको कम से कम एरर्स आएंगे प्रोग्राम के अंदर। अभी जब भी हम कुछ प्रोग्राम करते हैं तो मेन होता है लॉजिक, इनपुट एंड आउटपुट। लेकिन जैसे मैंने बोला कि सी के अंदर आपको सिर्फ टेक्स्ट ओरिएंटेड इनपुट आउटपुट आप दे सकते हैं। सी के अंदर हम फंक्शन यूज करेंगे जिसके थ्रू हम इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बाद में जब हम ग्राफिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें ग्राफिकल फंक्शंस भी है, लेकिन अभी इनिशियली हमें सिर्फ टेक्स्ट ओरिएंटेड डेटा हैंडल करना है। अगर आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है सी के अंदर, तो आपको ये प्रिंटेप फंक्शन अवेलेबल है। तो ये फंक्शन हम कैसे लिखते हैं? प्रिंटेप डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट्स, यहाँ पे आपका मैसेज दो जो हो, उसके बाद फॉर्मेट दो। फॉर्मेट कौन सा? वही परसेंट डी, परसेंट एल डी, परसेंट एफ एक्सेट्रा, डबल कोट कंप्लीट कॉमा। और उसके बाद होता है जो वेरिएबल का वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट करना है उस वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। ओके, अगर आप बोलेंगे हमें वैल्यू नहीं प्रिंट करना तो कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपका मैसेज दो आपको जो चाहिए वो। अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो आपको, अगर आपके पास 5 वैल्यू है तो आपको 5 फॉर्मेट देने पड़ेंगे, अगर 1 वैल्यू है तो 1 फॉर्मेट दो। ओके, लाइक दिस यू कैन डिस्प्ले द आउटपुट।
अभी अगर हमें यूजर से वैल्यू लेनी है तो उसके लिए होता है स्कैनएफ फंक्शन, लेकिन वो लिखते कैसे? अभी ये सब रेडीमेड फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, इसलिए जैसे है वैसे हमें एक्सेप्ट करना है। तो इसको लिखना कैसे पड़ेगा हमें? स्कैनएफ सब स्मॉल केस के अंदर है, डबल कोट फॉर्मेट देना पड़ेगा, परसेंट डी परसेंट एफ परसेंट एस डबल कोट कंप्लीट कॉमा, और फिर यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं किस वेरिएबल के एड्रेस को ये वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। एंड होता है एड्रेस, क्योंकि आपको पता है जब भी हम मेमोरी यूज करते हैं तो मेमोरी सिर्फ हमारे वेरिएबल तो नहीं होने वाले हैं, बहुत काफी कुछ डेटा होता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट कहाँ पे जाना है? वेरिएबल के एड्रेस के ऊपर जाना है। जैसे मैंने एबीसी वेरिएबल लिया है तो मुझे एबीसी के ऊपर ही जाना है। तो यहाँ पे एड्रेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एड्रेस पता नहीं होता तो आप कैसे जाएंगे? जैसे आपने बोला कि आओ हमारे घर पे, मुंबई में है घर, तो मुंबई में मुझे एग्जैक्ट एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, किस लोकेशन के ऊपर, किस बिल्डिंग में, किस स्ट्रीट का नाम क्या है, एरिया का नाम क्या है। वैसे यहाँ पे भी उसको एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आप भूल जाएंगे एड्रेस तो प्रॉपर वैल्यू स्टोर नहीं करेगा और आपको वो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं होगा प्रोग्राम के अंदर। तो एंड इंडिकेट द मेमोरी एड्रेस, ये बहुत इसेंशियल है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हमें यूज करने हैं प्रोग्राम के अंदर। जैसे पहले होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो है उसका नाम ही मेन है, क्योंकि इससे हमारे प्रोग्राम बिगिन होता है, या जब भी हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ता है तो हमारा प्रोग्राम जब हम क्रिएट करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है? मेन से। तो ये मेन फंक्शन है। फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, CLRSCR, इसको हम बोलते हैं क्लियर स्क्रीन। अगर प्रीवियस कुछ आउटपुट है तो क्लीन करने के लिए हमें ये फंक्शन लगेगा। गेट CH फंक्शन, हमें अगर हमारा आउटपुट एज आउटपुट हमें डिस्प्ले करना है तो गेट CH फंक्शन है। और भी काफी कुछ फंक्शन है, गेट एस फ्लैश और, लेकिन ये फंक्शन आप कब देखेंगे? जब हमें वो लगेंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं कि इतने फंक्शन है, सी में बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन वो हम कभी कब देखेंगे? जैसे जैसे हमें लगते हैं वैसे वैसे हम उसको स्टडी करेंगे। अभी ये सारे फंक्शन अगर रेडीमेड है, इनबिल्ट है, तो एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये फंक्शन होते कहाँ पे है। तो ये सब फंक्शन होते हैं लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। तो ये जो लाइब्रेरी फाइल्स है इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शन स्टोर होते हैं। जैसे आपको इनपुट आउटपुट लेना है तो अलग लाइब्रेरी फाइल है, अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने तो अलग फाइल है, आपको स्ट्रिंग ओरिएंटेड डेटा हैंडल करना है तो अलग फाइल है, ग्राफिक्स अगर यूज करना है तो अलग फाइल है। ऐसे अलग अलग फाइल्स यहाँ पे स्टोर होती है, और आप भी चाहे तो आपके कुछ फंक्शन फाइल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये फाइल लेनी कैसे प्रोग्राम के अंदर? तो उसके लिए हमें लगेगा प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर होता है हमारा हैश सिंबल। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि प्री प्रोसेसर का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस बिगिन होने के पहले हमें जो भी करना है वो हैश के आगे करते हैं, और हैश जो होता है वो मेन के भी ऊपर प्लेस होता है। लेकिन जब कंपाइलर आपका प्रोग्राम देखता है तो कंपाइलर को पता होता है कि जो भी हैश के आगे है वो आपका प्रोग्राम का कोड नहीं है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है जो दी हुई प्रोग्राम के अंदर। इसलिए हैश के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसको हम कभी भी अपना प्रोग्राम का कोड कंसिडर नहीं करते, और उसको मशीन लैंग्वेज में भी वो कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करता है। तो अभी लाइब्रेरी फाइल्स हम यूज कैसे करते हैं? जैसे हैश इंक्लूड कीवर्ड है, उसके आगे हम हेडर फाइल ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग फंक्शन है और उसके लिए अलग अलग फाइल्स है। जैसे आपको इनपुट आउटपुट लेना है तो stdio.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स होती है। इसके अंडर प्रिंटेप स्कैनएप की डेफिनेशन स्टोर होती है। conio.h, दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट, जो भी कंसोलिडेटेड फंक्शन है जैसे क्लियर स्क्रीन है, गेट CH है, इनकी डेफिनेशन conio.h के अंदर स्टोर होती है। मैथमेटिकल फंक्शन अगर आपको चाहिए, पावर है, स्क्वायर रूट है, तो math.h में होती है। आगे चल के हम स्ट्रिंग भी बहुत काफी डिटेल में यूज करने वाले हैं। फिर स्ट्रिंग के भी फंक्शन है, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग लेंथ, तो ये सब फंक्शन string.h फाइल के अंदर स्टोर होते हैं। लेकिन इतनी फाइल्स नहीं, और काफी कुछ फाइल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही अभी हम देख रहे हैं। चलो अभी देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे हम। तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको यहाँ जो सिंबल दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट का जो यूज होता है वो सिर्फ हमारे लिए होता है, प्रोग्राम को कुछ इफेक्ट नहीं होता, आप कितने भी कमेंट हो।
तो ये अगर कोई हमारा प्रोग्राम ओपन करता है तो फौरन समझने चाहिए कि कौन सा प्रोग्राम है, इसलिए हम प्रोग्राम का जो हेडिंग है वो कमेंट के अंदर दे सकते हैं। हैश इंक्लूड हम एक सिंगल लाइन में होगा या मल्टीपल लाइन्स में होगा, तो यहाँ पे हम हेडर फाइल्स ओपन करते हैं। हैश का और एक यूज होता हैश डिफाइन भी यूज कर सकते हैं हम। हैश डिफाइन के अंदर हम कुछ वेरिएबल का कॉन्स्टेंट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन से, मेन के बाद कर्ली ब्रैकेट होता है। प्रोग्राम के अंदर हमें क्या क्या यूज करना है उस सब को पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन पार्ट। इमीजिएटली होता है मेन के बाद। फिर एग्जीक्यूटर पार्ट में तीन सेक्शंस होते हैं, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट सेक्शन। इनिशियली हमें सिर्फ इतना ही पार्ट है, लेकिन फिर ये बाद में क्या है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम कब स्टडी करेंगे, जब हम खुद का फंक्शन बनाएंगे सी के अंदर। अभी तो हमें जो फंक्शन है वही सिर्फ यूज करने हैं। अभी ये कुछ चीजें होती है, उसका थेरी सिर्फ देखना है आपको कि कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसी वैल्यू जो फिक्स रहेगी वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो आप इंटीजर की, इंटीजर में भी कांस्टेंट ले सकते हैं, कैरेक्टर में भी ले सकते हैं और फ्लोट में भी। जैसे आपको फ्लोट में आप 3.14 ले सकते हैं पाई का वैल्यू, और उसका एंड हो सकता है एफ से। वैसे सिंबॉलिक कांस्टेंट भी हम यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला ना अभी कि हम हैश डिफाइन से कुछ वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, फिर वो वैल्यू हम मेन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और मेन के बाहर अगर हमारे पास फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं। अभी सी के अंदर कुछ कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब क्या हुआ कि इन सबको खुद का कुछ अलग मीनिंग है। एक कीवर्ड हम कहीं भी कैसे भी नहीं यूज कर सकते, तो जैसे रिक्वायरमेंट है जैसे अप्रोप्रिएटली हम इसको यूज करेंगे। तो सी में ऐसे टोटल 32 कीवर्ड्स है। एक कीवर्ड जो होते हैं वो सब लोअर केस के अंदर होते हैं, और उसको हम वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम को यूज नहीं, जैसे आपको इंटीजर नाम का वेरिएबल नहीं चलेगा और इंटीजर नाम का फंक्शन भी नहीं चलेगा। तो इतने सारे कीवर्ड से, तो एक कीवर्ड जो है वो हाईलाइट होते हैं जब हम टाइप करते हैं प्रोग्राम तक, तो हमें समझ में आता है कि ये कीवर्ड है। जैसे हमने मैंने बोला कि हम कमेंट दे सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो सिंगल लाइन को भी दे सकते हैं और मल्टीपल लाइन को भी दे सकते हैं। सिंगल लाइन को अगर देना है तो ये सिंबल है, मल्टीपल लाइंस के लिए ये वाला सिंबल है। इसमें बिगिनिंग भी है और एंड भी है, और इसमें सिर्फ बिगिनिंग है। अभी प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ और कैरेक्टर यूज करने हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्केप। एस्केप का मतलब क्या हुआ कि ये जो सिंबल है इसको हम एस्केप बोलते हैं। तो इसके बाद जो भी कैरेक्टर हम सिंगल कैरेक्टर पुट करेंगे ना, उसको खुद का कुछ मीनिंग होता है। जैसे स्लैश इन दिया तो न्यू लाइन होता है, अगर कंपाइलर देखेगा कि स्लैश एन है प्रिंटफ के अंदर, तो उसको समझ में आएगा कि न्यू लाइन के ऊपर जाके प्रिंट करना है। वैसे ही हम यूज करेंगे स्लैश टी, अगर हमें हॉरिजॉन्टली सिंगल स्पेस से ज्यादा स्पेस चाहिए तो हम हॉरिजॉन्टली यूज करें। जैसे सिंगल कोट डबल कोट भी यूज होता है, स्लैश ए हम अलर्ट के लिए या अलम के लिए या बिप के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे हम एक्सेप्ट सिक्वेंस हम प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। अभी ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग पता नहीं है फिर भी आप ठीक से ध्यान दो कि जब भी आप एक प्रोग्राम टाइप करते हैं और उसका आउटपुट आपको सक्सेसफुली आ जाता है, तो इन बिटवीन आपका प्रोग्राम काफी कुछ स्टेज से पास हो जाता है। तो वो स्टेजेस क्या होती है, जब भी आप आपका प्रोग्राम खुद का टाइप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोर्स फाइल। अगर आप सी का टाइप करें तो डॉट सी, सीपीपी का है तो डॉट सी सीपीपी, डॉट जावा का है तो डॉट जावा, ऐसे हम सोर्स फाइल बनाते हैं। अभी हमने सी की फाइल बना दी, तो सी के फाइल के बाद कंपाइलर आता है। इसका मतलब जब भी हमारी फाइल रेडी हो जाती है तो कंपाइलर का काम क्या होता है, उसको चेक करना। तो चेक करने के टाइम वो हैश इंक्लूड फाइल जो भी हमने ओपन की हुई है वो यूज करेगा। कंपाइलर का और एक काम होता है कि आपका जो प्रोग्राम टाइप किया हो उसके सब सिंटैक्स चेक करने, जैसे कॉमा मिसिंग है, सेमी कॉलम मिसिंग है, कुछ वेरिएबल है डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन उसका यूज नहीं किया हुआ है, या फिर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है और डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम यूज किया हुआ है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एरर्स आपके प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर एरर। अगर एक भी कंपाइलर एरर नहीं है तो आपकी प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, जिसको हम बोलते हैं डॉट ओबीजे फाइल। फिर उस फाइल लिंक होती है, लिंक होने के टाइम वो लाइब्रेरी फाइल्स पूरे ओपन करके उसके अंदर के फंक्शन चेक करेगा। इसलिए प्रोग्राम के अंदर आपको दो टाइप के एरर आते हैं, कंपाइलर एरर एंड लिंकर एरर। कंपाइलर एरर कब आती है, जब कुछ सिंटैक्स मिसमैच होता है, और लिंकर एरर कब आती है, जब कुछ फंक्शन का स्पेलिंग रॉन्ग होता है।
अगर सब कुछ सक्सेसफुली होता है तो डॉट exe फाइल बनती है, और डॉट exe फाइल का मतलब क्या हुआ, हमारी आउटपुट की फाइल है। इसका मतलब अगर आप सी का एक प्रोग्राम करेंगे तो आपको बिफोर कंपाइलेशन आपकी एक ही फाइल होगी डॉट सी, लेकिन आफ्टर कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन आपके पास तीन फाइल होगी, डॉट सी, डॉट ओबीजे एंड डॉट exe। जैसे आपका प्रोग्राम का नाम है माई प्रोग्राम डॉट सी, तो सोर्स फाइल होगी माई प्रोग्राम डॉट सी, ऑब्जेक्ट फाइल माई प्रोग्राम डॉट ओबीजे, माई प्रोग्राम डॉट exe। ओके, ये इसकी सब थ्योरी है। अभी हम सब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, धन्यवाद।